फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? तो ये ब्लॉग ऑलरेडी शूट हो चुका है, सिर्फ इंट्रो और आउट्रो नहीं था इसमें। आजकल पता नहीं मैं इंट्रो बनाना ही भूल जाता हूँ, तो बस ये इंट्रो है। और अभी ब्लॉग देखिए आप। तो ये मेरी शू बहुत गंदी हो चुकी है, इसको साफ करना लेकिन कर ही नहीं पाता हूँ। और दूसरा कि मेरा मेमोरी कार्ड हो चुका है फुल, अभी एक मेमोरी कार्ड से कुछ होगा नहीं, तो अभी जाएंगे और दूसरा एक मेमोरी कार्ड साथ में ले लेंगे, वो अपने साथ ही रखेंगे क्योंकि अभी क्या जरूर पड़ जाए। अभी इसका एग्जॉस्ट नॉट सुनो, उसके बाद मैं ये ऑफ कर रहा हूँ कैमेरा, बिकॉज मेमोरी फुल हो गई यार। और यहाँ पे जो ये थोड़ा खटखट कर आवाज आ रहा है, वो यहाँ पे देख सकते हो लूज है, ये पूरा टूट रहा है, ये लूज अंदर का डिब्बी कलर इसलिए आवाज आ रहा है। तो चलो अभी चलते हैं। अपन ने अपनी बाइक ले ली है और ये कहाँ गया, ये कहाँ चला गया बाइक रखा हो रहा। तो आज दोनों बाइक एक साथ ही रख देंगे, फिर मेरे को और दो तीन काम है तो मैं इसकी बाइक लेके जाऊंगा। अच्छा लग रहा है तू भाई, FZ बेच के यार रुपए ले ले। अभी 64 नहीं मिला, 32 कैमरा मेमोरी कार्ड डाल दिया इसके अंदर, और जो पुराना था वो बैग में डाल दिया। तो अभी निकलते हैं। तो अभी अपना काम हो गया ख़त्म और चलते हैं जहाँ पे अपने दोस्त लोग बैठे हैं। पावर बहुत ही ज़्यादा है, 250 सीसी की बाइक है, लेकिन इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं, इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है, जो थोड़ी सी कमी लगी मुझे। यामाहा वालों कम से कम 6 गियर तो देने थे यार इसमें, कसम से बहुत ही ज़्यादा पावर है और इतना मज़ा आ रहा है इसको चलाने में कि आप पूछो ही मत। गाइस आज दूसरा दिन है और कल मैंने ब्लॉग करने की ट्राई की थी जीप पे, लेकिन एक मिनट आपको दिखाता हूँ। माउंट है उसमें, गोप्रो नहीं जा रहा, आई डोंट नो व्हाई, तो ये चेंज करना पड़ेगा अभी मेरे को। और अपनी एयरी बाइक हो चुकी है, DSG ब्लॉग लिखा हुआ, एकदम क्लीन, लेकिन गंदी फिर से हो गई, धूल आ गई क्योंकि इन लोगों ने बाहर रख दी है। और अभी मैं बोलूँगा बाहर क्यों रखी, पूरी गंदी कर दी। तो मेरी बाइक हो चुकी है, मेरे भाई की बाइक जो मैं मांडी से लाया वो आई थिंक सो अभी तक नहीं हुई है। तो अब इसमें भाई सब चेंज नहीं किए यार इन लोगों ने, ये पूछते हैं गुरु। भाई सभी का अपडेट ये है कि शोरूम में अपनी दोनों बाइक का काम नहीं हुआ अभी तक, मतलब कि मेरी बाइक है जो उसका वो हैंडल में तो चेंज करवाना था वो बाकी है, मेरे भाई की बाइक हो चुकी है लेकिन उसमें थोड़ा सा टचिंग बाकी है। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों शाम को ही लेते हैं। तो अभी मैंने खाना वाला खा लिया है और अपना दोस्त मेरे को लेने आ रहा है, और वो हम लोग जाएंगे शोरूम पर और एक बाइक लेके मेरे भाई को दे देंगे और दूसरी बाइक मेरी बाइक होने में टाइम लगेगा। तो मेरे साथ मैं अपना हेलमेट भी लेके जा रहा हूँ, रिटर्न में ब्लॉग भी करेंगे। तो ये कुछ सीन है, और मैं अभी जीप लेके नहीं जा रहा क्योंकि जीप लेके गया तो फिर दो बाइक भी लानी है, दो बाइक मतलब एक बाइक भी लानी है, इसलिए मैंने अपने दोस्त को बुला लिया, तो वो आ रहा है और चलते हैं। तो गाइस अपनी दोनों बाइक्स मिल चुकी है, ये बाइक जो है काना मतलब मेरा ब्रो है करण, उसकी बाइक का बिल हुआ 3400 रुपये और मेरी गाड़ी का बिल हुआ 2170 रुपये। तो अभी एक बाइक देंगे मेरे भाई को, बड़े भाई को, और इसमें क्या क्या इतना बिल आया, इसमें क्या क्या हुआ कि ये जो इसका था वो मुड़ चुका था ये वाला, तो उसका ये ठीक हुआ, अंदर से चेंज हुआ, मेरा दोनों साइड का चेंज हुआ, इसका एक साइड का चेंज हुआ,
और दूसरे इसके पीछे के ब्रेक पैड जो हैं वो चेंज हुए। जो ब्रेक पैड की कॉस्ट शोरूम में पड़ी वो है 1100 रुपये की। हेलो, हाँ मैं नीचे खड़ा हूँ, चाबी ले ले बाइक की। तू बाइक रख दी मैंने पार्किंग में, जल्दी आ जा। हैं? हाँ ठीक है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, और एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा मैं आपको। मैं भी दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। मेरे भाई की बाइक है, मैंने अपनी बाइक में ये देखो, ये जो कंपनी देती वो है, मैंने अपनी बाइक में यहाँ पे वो प्रोटेक्शन लगाया था क्लच एंड ब्रेक के लिए। उसके लिए इसको अंदर से वेल्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि जो ये अंदर का है ना वो पूरा घूम जाता है। जैसे कि ये घूम रहा है तो वो भी मेरा घूम रहा था पूरा, तो मैंने अंदर से वेल्डिंग करवाया। अभी वो क्या हुआ, वो तो मेरे काम का कुछ आया नहीं, मैंने वो निकाल दिया। लेकिन वेल्डिंग की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत हो रहा है, जब आप लीवर देते हो, जब आप गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाते हो, यहाँ पे और यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, जो चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने अंदर का पूरा चेंज करवाया, अंदर का पूरा, इधर पूरा इतना पाइप आता है इसका जो अंदर का, मेरी बाइक में, ये मेरे भाई की बाइक है, दोनों साइड का, जो मुझे पड़ा 1200 रुपये में। और जो एक खर्चा थोड़ा हो गया ये, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप अपने लिए वो जो डलवाते हो तो वो आप R15 में अगर डलवाते हो प्रोटेक्शन के लिए, तो अंदर से वेल्डिंग मत करवाना। नहीं करवाओगे तो ये पूरा जो आप डलवाओगे वो प्रोटेक्शन के लिए वो ऊपर और नीचे होता रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि वो आप डलवाई मत, उसका कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ लुक ही आता है, मेरे कुछ काम के वैसे भी नहीं आया। तो एक वो लिया, उसका खर्चा हुआ, उसके बाद उसको निकाला तो उसके बाद ये खर्चा हुआ। इसलिए मेरी एडवाइस है कि वो आप लो ही मत, बाकी आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं अभी आपको अगले ब्लॉग में। बस यही था ब्लॉग में, मेरे भाई की सर्विस थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसने बहुत टाइम से करवाया नहीं था, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, इसलिए उसकी सर्विस की कॉस्ट ज़्यादा हुई, मेरी थोड़ी कम हुई। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।